आपको भी पता है कि जो झूठे वादे अपन लोगों से किए गए हैं आम जनता से, वो एकदम नकारा साबित हुई है ये सरकार। भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में हो, प्रदेश में सरकार बनी है, सैकड़ों आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। हम लोगों को आशा है कि 2024 में लोकसभा में मेहनत रंग लाएगी समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मेरा नाम है नैंसी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हम लोग जालौन लोकसभा सीट में मौजूद हैं और यूपी में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम पार्टियों के सपोर्टर्स मौजूद हैं, बीजेपी के भी हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और बीएसपी के भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जालौन लोकसभा सीट पर कैसा माहौल है। जी, आपका नाम? जी, सचिन श्रीवास। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, कांग्रेस से हैं। चलिए, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ रही थी, बहुत हालत खराब है। जी जी। तो 24 में कितना इस हालत को ऊपर लेके आएंगे, मतलब कितना उबर पाएंगे? देखिए मैम, अगर मैं हालत की बात बता दूं तो उसमें मीडिया का अहम रोल है, क्योंकि सच दिखाना नहीं चाहते वो, इसलिए क्योंकि अरे आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, क्या हम इसीलिए बात कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि सच दिखाने का काम अगर आप लोग करेंगे तो जमीनी हकीकत एक तरीके से भाजपा सरकार की शून्य पड़ी है। आपको भी पता है कि जो झूठे वादे अपन लोगों से किए गए हैं आम जनता से, वो एकदम नकारा साबित हुई है ये सरकार भाजपा का। आप उठाइए, आप देखिए, मैं युवा हूँ, रोजगार की बात करूँगा, कहाँ गई 2 करोड़ रोज नौकरियों की बात, कहाँ है 15 लाख, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का हमें सपना दिखा रहे थे। बीजेपी पे बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, बीजेपी कौन है भाई, आइए आगे आके जवाब दीजिए, और मीडिया पे भी आरोप लगा दिया इन्होंने तो। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आपका, हम आ जाइए भैया, आमने सामने आ जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया, मीडिया पे भी लगाया कि हम आपकी आपको नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम आपको नहीं दिखा रहे होते तो अभी हम आपसे बात क्यों कर रहे होते। देखिए मैम, हम ये चाहते हैं कि जनता की आवाज आपकी आवाज है, मीडिया एक भारत का मतलब देखा जाए तो चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर आप सच को दिखाएंगे तो जरूर जनता की बात, उन तक हक की बात पहुंचेगी। क्या सच नहीं दिखा रहे, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने जमीन पे कुछ काम ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में हो, प्रदेश में सरकार बनी है, सैकड़ों आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, सड़कें बनी हैं, रोजगार मिला है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है, रोजगार केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं होते, लोगों को रोजगार मिले हैं, सड़कें बनी हैं और उत्तर प्रदेश में खासकर गुंडागर्दी खत्म हुई है। क्या नहीं हुआ है काम, आप बताओ। अच्छा, सपा सपा में कौन है, आइए भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रशांत यादव है। आप सपा के समर्थकों में से एक हैं, तो मेरा ये कहना है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। हमने यहाँ कई लोगों से बात की है तो उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बोला कि सपा की सरकार में गुंडाई बहुत थी। लेडीज से भी बात हुई, उन्होंने भी बोला कि स्कूल कॉलेज जाने में भी उनको कई तरीके की छेड़खानी से गुजरना पड़ता है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये लोगों की पर्सनल नकारात्मक सोच होती है। अच्छा, इतनी बड़ी बात बोले बीजेपी ये, इसमें आप अभी गई हैं, आप नगर में किसी से पूछ लीजिए, मोट कर मैं खासकर गुंडई की सारी सीमाएं पार हो गई थी समाजवादी पार्टी सरकार में। कोचिंग के बाहर इनके समाजवादी लोगों के गुंडे घूमते थे, शाम के 6 बजे के बाद कोई लड़की अपने घर से नहीं निकल पाती थी। आज देख लो, आज 11 बजे तक भी माहौल इतना बढ़िया है, 11 बजे तक महिलाएं जाती हैं स्टेशन घूमने, उधर से वापस आती हैं। सपा की सरकार में 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल पाया। अच्छा, आपको क्या लगता है, सपा, हमने कई लोगों से बात की, उनका कॉम्पिटिशन जो है वो बीजेपी और सपा का है, कांग्रेस का देखिए किसी ने नाम नहीं लिया। हमने आपने आरोप लगाया ना, पब्लिक में से किसी ने भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में सपा अपना कैसा प्रदर्शन दे सकती है, क्या जिस सब इसमें हमारे राष्ट्रीय के पार्टी अध्यक्ष वो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम लोगों को आशा है कि 2024 में लोकसभा में मेहनत रंग लाएगी समाजवादी पार्टी की। तो जालौन में मतलब आपको लग रहा है कि साइकिल दौड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कांग्रेस से हैं, आप जिला अध्यक्ष कांग्रेस से ही हैं आप, कांग्रेस की देखिए, अभी मैंने बात की कि हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। मैम, सबसे पहले कहावत है कि जैसे किसी कवि ने कहा है कि जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यदि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, फिर भाजपा को डर किससे है? नहीं, हम आम पब्लिक की बात कर रहे हैं, जो हमने आम वोटरों से बात की उनमें से सबने यही बोला कि मतलब एक बार उन्होंने बीएसपी का नाम ले भी लिया, कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। नहीं, कांग्रेस तो ये आपकी आप कहाँ पर कमजोर रह गए कि जनता ही आपका नाम नहीं ले रही? नहीं, जनता क्यों नहीं ले रही? जनता आप दिखाओ तो, जनता ले रही नाम कांग्रेस का, हम दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे। नहीं, नहीं, हम अभी बात करके आए हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो लोगों के बीच में जा के, चाहे हमारे राहुल गांधी जी जनता के लिए कहना होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चले। जालौन लोकसभा सीट पर 2024 में कांग्रेस
झंडे गाड़ पाएगी या नहीं? नहीं, 100% कांग्रेस झंडे गाड़ेगी, कांग्रेस ही जीतेगी इस सीट पे। बीएसपी नहीं, कांग्रेस पार्टी से राइस गौतम। अच्छा, आप भी कांग्रेस से, तो झंडे गाड़ पाएगी? बिल्कुल सही बात है, 2024 में केंद्र में कैसे लगता है, ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस? ऐसा कर दिया है कि अभी आप लोगों ने देखा हो जो पदयात्रा राहुल माननीय राहुल गांधी जी ने जो करी है कश्मीर से कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक, तो मुझे लगता है कि उसमें लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। भले मीडिया ने उसको नहीं दिखाया वो अलग बात है, पहले मेरी पूरी बात होने दो, जो हुजूम उनका जो नहीं दिखाया है वो अलग बात है, लेकिन आज जनता समझ चुकी है बीजेपी के जुमलों को। जो नौजवान आज बेरोजगार फिर रहे हैं, शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। मैं तो एक बात कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कि जो व्यक्ति देश में पेंसिल और किताब पर जो जीएसटी लगाता, तो मैं ही समझता हूँ इस देश का विकास हो पाएगा। आप इसका जवाब आप ही देंगे? सुना नहीं मैंने। आपने सवाल किया जैसे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ देखिए क्या हुआ, चाहे कामधेनु योजना हो, हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों को 2 रुपये में गेहूँ खरीदा जा रहा, सिलेंडर हो 500 रुपये में जो राजस्थान में खरीदा जा रहा, शिक्षा क्षेत्र में 2 लाख। बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो कि अध्यक्ष भी रहे पार्टी के और बड़ा चेहरा है, मतलब कांग्रेस का चेहरा ही कह सकते हैं आप राहुल गांधी हैं, वो अपनी ही सीट हार गए थे। उसके बाद से कांग्रेस की दुर्दशा सबने ही देखी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन सरकार जो भी एक दूसरे पर आरोप, वो तो अलग बात है, लेकिन जब जनता ही आपका नाम नहीं ले रही है तो आप फिर आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? नहीं, जनता ले रही है, जनता क्यों नहीं ले रही। जनता अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं जो नगर पालिका और नगर परिषद में, इसमें आप सेमीफाइनल देख लें तब तो क्लियर करेंगे कांग्रेस क्या है। ये सेमी आप ही के द्वारा बताया यार, सेमीफाइनल है हमारे जहाँ जिले में, जहाँ यहाँ कंडी लड़ रहा है वहाँ देखना सदाबेदार। एक सवाल बीएसपी से भी, आपको क्या लगता है कि जालौन लोकसभा सीट पर 2024 में बीएसपी झंडे गाड़ पाएगी? जी मैम, बीएसपी ही जीतेगी। इतने कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? मैम ऐसा है कि हमारा 2019 में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, 10 सीटें आई थी, इस बार और अधिक आएंगी। इस बार और अधिक। हाँ, बीएसपी अपना किसको कंपटीशन मार रही है, सपा को, बीजेपी को, कांग्रेस को, किस? बीजेपी से जी। मतलब सपा और कांग्रेस सपा दूर दूर तक नहीं है। तो ये हमने तमाम पार्टी के समर्थकों से बात की है, हर कोई यही कह रहा है कि 24 में उनकी पार्टी झंडे गाड़ेगी। अब देखना 24 के चुनाव में होगा कि जालौन लोकसभा सीट किसके पाले में जाती है।